अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी बार फिल्म जब हैरी मेट से जल में नजर आए शाहरुख खान इन दिनों फिल्मों की बजाय अपनी सोशल लाइफ को लेकर चर्चा में है। अक्सर अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले किंग खान से इस सोशल प्लेटफॉर्म पर ही एक गलती हो गई। शाहरुख ने ट्विटर पर अपने फोन से गलती से कुछ पर्सनल फोटो शेयर कर डाली। कोलकाता में आयोजित हुए KIFF कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 को शाहरुख खान लॉन्च करने पहुंचे थे। इस मौके पर कई फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थी। शाहरुख इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद खुश थे। वह अपनी इस खुशी को फैंस के साथ शेयर करना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने ट्विटर पर KIFF इवेंट के बारे में लिखा, लेकिन इस ट्वीट के साथ उनसे अपनी फोन गैलरी से कुछ पर्सनल तस्वीरें भी शेयर हो गईं। शाहरुख ने ट्वीट करने के कुछ देर बाद अपनी गलती को देखा और फटाफट से इन पर्सनल तस्वीरों को डिलीट कर दिया। शाहरुख द्वारा इन तस्वीरों को हटाने से पहले ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी। इन तस्वीरों में शाहरुख और उनके बेटे अबराम की कुछ तस्वीरें शामिल थीं और एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट मौजूद था। ये स्क्रीनशॉट किसके ट्वीट का था ये तो साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ये काफी ब्लर नजर आया। खैर, चाहे शाहरुख से ये गलती से ही हुआ हो, लेकिन फैंस को अपने सुपरस्टार के पर्सनल मोमेंट्स को देखने का मौका तो मिल ही गया। हालांकि शाहरुख का ये ट्वीट कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने को लेकर किया गया था, जिसमें शाहरुख ने लिखा था, बहुत मजा आया और प्यार मिला, कोलकाता को मेरा बहुत प्यार, हमेशा की तरह गर्मजोशी के लिए, ममता जी आप सबसे प्यारी हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो उनकी अगली फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ है। इस फिल्म के टाइटल का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।